जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल जॉब सूरी में। दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है APSSB में, यानी के अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में वैकेंसी निकल के आई हुई है। आपके लिए बहुत सारे पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेस्टर, कंस्टेबल, फायरमैन, GD और अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। अगर आप मेल और फीमेल हैं दोनों हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या 10वीं पास या 12वीं पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले इसमें आपका फिजिकल होगा क्या, फिजिकल रहेगा क्या, आपका रिटर्न कैसा होगा, पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे कब से ये फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपसे स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला था, APSSB रिक्रूटमेंट 2020। यहाँ पे देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म 2020 यहाँ पे देख सकते हैं। ये आज ही का अपडेट निकल के हुआ 22/1/2020, इसीलिए आपको कहते हैं आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए इसके बारे में आगे स्टेप बाई स्टेप बात करते हैं। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का लोगो देखने को मिल जाएगा और जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पर आपको वैकेंसी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, APSSB रिक्रूटमेंट 2020, और यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स आपको बताई है। वैकेंसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बताई है। सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम देखने को मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड APSSB यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब होगा। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पे टोटल वैकेंसी 900+ टोटल वैकेंसी आई है, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिखा दूंगा। जॉब लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही नीचे आएंगे आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, यहाँ से जाकर के आप चेक भी कर सकते हैं और अपना ऑफिशियल जो PDF आया है वो भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। और ये जो फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन मोड से, ये फॉर्म भरा जाएगा। नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था फॉरेस्टर, हेड कांस्टेबल, फायरमैन, GD अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, 10वीं या 12वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको साइंस से पास होना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी देखने को मिल जाएगा, जनरल कैंडिडेट के लिए आपको 150 लगने वाला है, वहीं APST हैं तो आपको 100 रुपये चार्ज लगने वाले हैं। इसके बाद हम बता दें एज लिमिट के बारे में, तो अगर आप 18 से 28 वर्ष के बीच में आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से ऑनलाइन कर लेंगे। और एज छूट के बारे में आपको बात कर लें तो नियमानुसार आपको छूट मिल जाएगा, जैसे SC ST को मिल जाएगा 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स का छूट मिल जाएगा, एक सर्विस मैन का भी छूट मिलने वाला है। इसके बाद हम आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आपका PST होगा, तो PET होगा, उसके बाद टेस्ट, उसके बाद आपका रिटर्न होगा, यही आपका स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ये सिलेक्शन प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, ये नोटिफिकेशन कल का ये निकला हुआ जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, और 28/1/2020 से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। यहाँ पर लास्ट डेट आपका जो रखा गया है वो 28/2020 रखा गया, इससे पहले आप इस फॉर्म को भर लेना है। और यहाँ पे एग्ज़ाम आपको मई तक होने वाला है। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं यहाँ फ्रेंड्स आपको इम्पोर्टेंट लिंक के बारे में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट होगा 28/1/2020 से स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। मैं इसको पहले से भी डाउनलोड कर रखा था लेकिन आपके सामने एक बार और डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे डाउनलोड करेंगे ये ओपन होगा, कुछ ऐसा ओपन होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सबसे पहले वैकेंसी नोटिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कल ही का अपडेट निकल के हुआ है अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फाइल नंबर आपको मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको आपका पोस्ट वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वैकेंसी पोस्ट वाइज आपको कौन से पोस्ट के लिए आई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कब से स्टार्ट हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया था ये पोस्ट और ये कब से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आई है आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे फॉरेस्टर में कितनी वैकेंसी है, यहाँ पे 159 और एक सर्विसमैन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, स्पोर्ट कोटा में 8 है, जनरल के लिए 15, APST के लिए 36 है। तो आप इसको देख लीजिएगा सही से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आके। और बाद कांस्टेबल GD फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारी वैकेंसी। और जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे आपको वैकेंसी स्टेट वाइज आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पे बताई गई, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा कितनी वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे आपको यहाँ पर
पोस्ट वाइज और वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी दी गई। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपका पोस्ट कोड देखने को मिल जाएगा, पोस्ट नेम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे फॉरेस्टर है, पोस्ट नेम आप देख लीजिएगा। पोस्ट कोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, पोस्ट फॉरेस्टर की है। यहाँ पे APSSB के लिए 36 है, जनरल के लिए 15, स्पोर्ट कोटा के लिए 8 है। यहाँ से आप आकर के देख सकते हैं। और ये अगर आप 10+2 पास हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से ऑनलाइन कर दे लेंगे, लेकिन आपको 10+2 साइंस से पास होना चाहिए और आपका एज 18 से 28 वर्ष रहना चाहिए। 1/1/2020 तक आपका एज लिया जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जैसे ही आएंगे यहाँ पे कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका फिजिकल के बारे में देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मेल के लिए आपका 152 हाइट चाहिए और वहीं APSSB मेल के लिए और जनरल मेल के लिए 163 चाहिए। फीमेल के लिए APSSB फीमेल के लिए 145 चाहिए, 150 चाहिए फीमेल के लिए, जनरल फीमेल के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा चेस्ट नॉर्मल आपको 79 होना चाहिए और फीमेल के लिए 74 होना चाहिए और यहाँ पे फ्रेंड्स 84 होना चाहिए, 79 होना चाहिए फुल आ करके। तो आप इसको एक बार सही से देख लीजिएगा। ऐसे ही आप आएंगे दूसरे पोस्ट के लिए, आपको देखने को मिल जाएगा हेड कांस्टेबल। तो आप जिसके लिए एलिजिबल है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल पर वीडियो बना दूंगा, तो आप आकर के इसको देख लीजिएगा। मैं एक एक बनाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर हेड कांस्टेबल टेलीकॉम की है, यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं। APSSB के लिए 138 और जनरल के लिए आपको 39, स्पोर्ट कोटा के लिए आपको 4 वैकेंसी टोटल देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पर अपना फिजिकल सबसे आप देख लीजिएगा और सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। और जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी टोटल कितने आपको मेल के लिए कितना आप यहाँ पे वॉक कर चलना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा, फीमेल का 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 4 घंटे में मेल को चलना पड़ेगा 25 किलोमीटर और वहीं फीमेल को बता दें 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यहाँ पे पैदल चाल भी इसे आप कर सकते हैं। उसके बाद हाइट जंप लॉन्ग जंप कितना है, कितना रेस रहेगा, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी गई है, ये देख लीजिएगा। और जैसे आएंगे नीचे आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएगी, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और मैंने आपको पहले बताया था आपका फ़ी क्या लगने वाला है। यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेज 1 में आपका फिजिकल होगा, देख लीजिएगा और कैसा फिजिकल होगा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद स्टेज 2 में यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद आपका स्टेज 3 में यहाँ पर आपका रिटर्न होने वाला है और यहाँ पे पोस्ट कोड देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपने सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा जनरल इंग्लिश और यहाँ पे मैथ से मिलेगा, जनरल नॉलेज से मिलेगा, जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल यहाँ पे कितने मार्क्स की है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद टाइम आपका क्या रहने वाला है यहाँ पर आप देख लीजिएगा। पोस्ट वाइज यहाँ पर आपको बताइए ये पोस्ट की, देखिए सबसे पहले आपको देखने के लिए यहाँ पे पोस्ट कोड देख लेना हो कौन से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। पोस्ट कोड यहाँ पे आप मिला लीजिएगा जो ऊपर पोस्ट कोड है, अगर इस पोस्ट कोड से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इतनी सब्जेक्ट मिलने वाली है, 300 टोटल 300 मार्क्स की आपका एग्ज़ाम होगा और यहाँ पर 3 घंटे का आपका समय दिया जाए। अगर आप इस दोनों पोस्ट कोड से अप्लाई करना चाहते हैं 67 और 20 से, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आपका दो यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, 200 मार्क्स रहेंगे और यहाँ पे 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा। अब अगर आप इस पोस्ट कोड से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये सब्जेक्ट रहेगा और आपके पास 200 मार्क्स के लिए आपका टोटल क्वेश्चन मार्क्स रहेगा और यहाँ पे आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे नीचे आएंगे आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे बताई गई है, इस पर मैं आपको विस्तार से वीडियो बना दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टेप बाई स्टेप यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेगा, आकर आप देख भी सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब चीज़ यहाँ पे आपको दी गई है। और जैसे यहाँ पे आप नीचे आएंगे आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। अगर आप APSSB से अप्लाई करना अगर अप्लाई किए हैं तो आपका जो क्वालिफिकेशन मार्क 33% रहेगा, वहीं जनरल का 45% रहेगा, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। और जैसे आपको नीचे आएंगे कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर आपको बताई गई स्टेप बाई स्टेप। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर APSSB.in पे जाकर के आपको फॉर्म भरना है। जैसे ही ये फॉर्म भरा जाएगा सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल पर वीडियो बनाकर बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है। इसके बाद इसमें क्या क्या लगने वाला है यहाँ पे आपको बता गई है। सिग्नेचर आपको लगेंगे, आपका फोटो लगेगा, कौन सा साइज रहेगा यहाँ पर आपको बताई गई है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका 40 से 100 के भी होना चाहिए, वहीं पर आपका सिग्नेचर 20 से 60 के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर
ब्लैक पेन से होना चाहिए, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका लेफ्ट थंब भी लगेगा, जो आपका 20 से 60 KB के बीच में आपका थंब होना चाहिए, आपका JPG फॉन्ट में होना चाहिए। और जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे आपको पूरी आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए, यहाँ से आप देख लीजिएगा फोटोग्राफ आपका सारे का स्कैन कॉपी आपका लगेगा। यहाँ पे आपको बताइए मैट्रिक का, टेंथ का, यहाँ पे टेंथ का देख सकते हैं। उसके बाद APSSB सर्टिफिकेट का भी आपके पास होना चाहिए, सबका यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे आकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इतना ही बताना था इस वीडियो में, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा। और आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ।